अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अदनान खालिद। आज हम लोग TPMS टाइम प्रेशर मॉनिटर सेंसर के मुतालिक बात करेंगे। आजकल कुछ लेटेस्ट गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटर आते हैं। इस सिस्टम में टायर प्रेशर वार्निंग वेल्व और ट्रांसमीटर इस्तेमाल होते हैं ताकि लो टायर प्रेशर को डिटेक्ट किया जा सके। TPMS की लाइट ऑन हो जाती है जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन होता है और कुछ सेकंड में ऑफ भी हो जाती है। इसका मतलब है सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। अगर लाइट दोबारा ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि किसी एक या फिर सारे टायरों में हवा का प्रेशर कम हो गया है। अगर लाइट एक मिनट तक ब्लिंक करने के बाद ऑन ही रहे तो TPMS सही काम नहीं कर रहा। TPMS का रीसेट स्विच डैशबोर्ड के नीचे ड्राइवर के फुट पैनल के पास होता है। जब कभी भी आपको सेट टायर प्रेशर एडजस्ट करना हो, जैसा कि ओवरसाइज टायर लगाकर, तो आपको न्यू सेटिंग्स रीसेट करनी पड़ती हैं। ऑटोमोटिव बिजनेस में मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके बिजनेस को चलाने में मैं उनकी बिजनेस कोचिंग करता हूं। अगर आप भी ऑटोमोटिव बिजनेस में अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान बनाना समझना चाहते हैं तो हमें 0335477763 पर व्हाट्सएप करें। हम आपका बिजनेस वर्क फ्रेम बनाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपके बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में मदद मिलेगी। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे टेक्निकल वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। SATP इंजन में मेरा पार्टनर बनने के लिए आपके कई व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। इस वीडियो को इन ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, जिससे SATP को एक डायरेक्शन मिल सके, ताकि लोगों को अपनी गाड़ी के सिस्टम समझने और टेक्नीशियंस को काम करने में मदद मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक पर क्लिक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लगे हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपके जो भी कॉमेंट हो उनको पढ़ के अपनी वीडियो को मजीद बेहतर करें। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।